Good morning, student. I am your Hindi teacher, Savita Maurya. Today, I am going to start our new lesson, Paath Satra, Seekho. This is Savita. Prakriti hame nitya nayi baat siklati hai. Prakriti ki prerna se hum apne jeevan ko safal evan sukhmay bana sakte hain. Seekho, Kavita ka mool bhav yahi hai. Main kisi bataya ja raha hai ki Savita mein prakriti ke madhyam se प्रेरणा दिया गया है और इसके ही इस कविता का अर्थ है कि हम प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो सिर झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, नित का मतलब होता है प्रतिदिन रोज। फूलों से नित हंसना यानी कि हमको फूलों से क्या सीखना चाहिए। आपने कभी देखा होगा बगीचों में कि फूल नित यानी कि रोज खिलते हैं और हंसते हैं, तो यहाँ पे कवि हमको फूल के माध्यम से ये बताना चाह रहे कि हमको नित यानी कि रोज हमें कैसे करना है, फूलों की तरह हंसना है। भौरों से नित गाना यानी कि, और भौरों से क्या, भौवे हम नित क्या करते हैं यानी रोज क्या करते हैं, गाना गाते हैं। जिस तरीके से फूल नित यानी कि रोज हंसते हैं मुस्कुराते हैं, उसी तरीके से भौवरे भी रोज क्या करते हैं, गाना गाते हैं। तो हमको फूलों से रोज, जैसे वो रोज हंसते हैं उसी तरीके से हमको भी फूलों से हंसना सीखना है और भंवरों से गाना सीखना है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। पेड़ यानी कि पेड़ों की झुकी डाली, जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े और जो पौधे पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और उनकी डालियां कैसी होती है, झुकी हुई होती है। तो कवि कह रहा है कि जो पेड़ है उनकी झुकी डालियों से हमें क्या सीखना है, उनकी झुकी डालियों से हमें सीखना है शीश यानी कि सिर को झुकाना। हमको अपने बड़े से आगे कैसे क्या करना है, शीश झुकाना है ना। तो वही बता रहा है कि हमें जो पेड़ है उनसे क्या है सीखना है, रोज हमसे उनसे पेड़ों की झुकी डालियों से रोज क्या सीखना है, शीश झुकाना यानी कि अपने सिर को झुकाना। शीश हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सीख हवा के झोंकों से, यानी कि सीख किससे लेने के लिए कह रहा है, सीख हवा के झोंकों से यानी कि जो हवा के जो झोंके चलते हैं, यानी कि जो लगातार हवा चलती है, वो नहीं जो हल्की हल्की कभी आती हवा लग गई आपको हवा, तो कहते हवा के झोंके आ रहे हैं, हवा हल्की हल्की चल रही है, तो उन हवा का भी क्या सीखना है, कोमल भाव आना है। कि जो जब जो हवा के हल्के हल्के झोंके लगते हैं, जब धीमे धीमे हवा लगती है तो ऐसा लगता है कि कोमल लग रहा है, यानी कि बहुत ही मुलायम उसकी वो लगती है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि कोमल के जो हवा है उससे हमें क्या सीखना है, कोमल भाव सीखना है, यानी कि व्यवहार करना सीखना है कोमल कोमल, उससे हमें क्या सीखना है, कोमल भाव सीखना है। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और जो दूध और पानी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप दूध, अगर दूध को पानी में मिला दीजिए तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्यों, कि दोनों पानी और दूध मिलकर एक हो जाते हैं, है ना। उसी तरीके से इसमें कवि कह रहा है कि दूध और पानी भी, यानी दूध और पानी से हमें क्या सीखना है, मिलना और मिलाना, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, यानी कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं, वो सूरज जो निकल आती है ना, कवि कह रहा है कि सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है, जगना, यानी कि जो सुबह उठना है और दूसरों को भी क्या करना है, जगाना है, यानी कि जो सूरज खुद तो समय पर ही उठ जाता है और हम सबको भी जगाता है। तो कवि कह रहा है कि सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना दोनों ही सीखना है, खुद से उठना और दूसरों को जगाना, किससे सीखना है, सूरज की किरणों से। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी कि जो लता आपने देखा होगा, वो जो पेड़ चढ़ते हैं, पेड़ लता यानी जो लता वाले पेड़ होते हैं ना, बेल वाले पेड़, लता का मतलब होता है बेल वाले, जो जो पेड़ों पर चढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, लता। उससे उनसे क्या सीखना है, लता और पेड़ों से, यानी जो लताएं होती हैं, जो बेल वाले पेड़ होते हैं, वो पेड़ों पर ऐसे करके चढ़ जाते हैं, तो उनसे हमें क्या सीखना है, सबको गले लगाना, यानी कि जो पेड़ है वो लता को क्या कर रहा है, गले लगाना है। तो इसी तरीके से हमें पेड़ और लताओं से क्या सीखना है, सबको गले लगाना, यानी सबको गले लगाना सीख
सीखना है, जिस तरीके से पेड़ और बेल एक दूसरे को गले लगाते हैं, उसी तरीके से हमको भी अपने भाई बहनों को, अपने मोहल्ले में जो हमारे दोस्त हैं, उनको क्या करना है, गले लगाना। उसी से सीखो स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो उसमें धीरज भरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए, स्वदेश के लिए अपने देश के लिए। तो मछली का देश क्या क्या है उसको बताइए। मछली का देश तालाब जो नदी होती है जिसमें मछली रहती है। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो वो कैसे क्या करने लगती है, तड़पने लगती है, बिना पानी की मछली नहीं रह सकती है। तो हमें मछली से क्या सीखना है, अपने देश के लिए तड़पना। हमको अपने देश के लिए तड़पना है, कैसे, अपने देश की रक्षा करके अपने देश को साफ सुथरा रखना है ना। तीन इसमें सभी ये बताना चाह रहा है कि हमको अगर तड़प जो जो है किससे सीखना स्वदेश के लिए, मछली से कैसे तड़प तड़प कर मरना, यानी कि अपने देश के लिए जो जान देते हैं वीर जवान वो कैसे होते हैं, मछली की तरह होते हैं जो क्या कहते हैं बॉर्डर रख कर जाकर क्या करते हैं अपनी जान देते हैं। तो उनसे मछली से हमें क्या सीखना, अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना, यानी कि उनसे जान देना है हमको सीखना है अपने देश के लिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो क्या, दुख में धीरज भरना। और जो पतझड़ आपने भी देखा होगा जो हमारी ऋतु होती है, पतझड़ की भी ऋतु होती है, इसमें क्या होता है पेड़ पौधों से जो पत्ते फूल सब झड़ जाते हैं, एकदम पेड़ कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं ना। तो उसी बता रहा है कभी पतझड़ की जो समय आता है समय क्या हो जाते थे पतझड़ के पेड़ों से, यानी जब पतझड़ आते हैं उन पेड़ों से हमें क्या सीखना है, दुख में धीरज भरना। यानी कि अब आप समझिए जब किसी पेड़ का पूरा पत्ते झड़ जाए उसमें कुछ भी ना रहे वो कैसा लगेगा, देखने में खराब लगेगा, तो एकदम अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरीके से क्या है, दुख तकलीफ आने, जब हमारे पास कोई दुख या तकलीफ आती है तो हमें कैसे किसे सीखना है दुख तकलीफ में धीरज भरना, पतझड़ के पेड़ों से। पतझड़ के पेड़ों से हमें क्या सीखना है, धीरज, धीरज को मतलब किस तरीके से हम धीरज रखकर उस दुख और तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो हमको वो किससे धीरज किससे सीखना है, पतझड़ के पेड़ों से। पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में जो है दुख सहने की जो शक्ति मिलती है, यानी धीरज जो मिलता है वो किससे मिलेगा, पतझड़ के पेड़ों, पतझड़ के पेड़ों से हम दुख सहने की शक्ति सीख सकते हैं। तो बच्चों ये कविता यहीं समाप्त होती है, आपको भी कविता अच्छी लगी होगी और आपको समझ आनी गई होगी। बच्चों इस कविता में बस इतना, अगला टॉपिक हम अपने